डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तभी जी। सिविल लाइन थाना अंतर्गत यूनिवर्सिटी के पास झाड़ियों में एक नवजात के पड़े होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और एक दो दिन के नवजात को अस्पताल पहुंचाया। सिविल लाइन थाने के एसआई शांतिलाल ने बताया कि आज सुबह भुनाबाय के रहने वाले कर्मा सिंह रावत ने थाने पर सूचना दी कि यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी हॉस्टल के बीच उगी झाड़ियों में एक नवजात बच्ची पड़ी है, जिस पर मौके पर आकर बच्ची को देखा तो बच्ची जीवित थी, जिसे जेएलएन अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। जहां बच्ची की हालत ठीक बताई जा रही है, वहीं अज्ञात कुमाता के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी छानबीन की जा रही है। आज सुबह 10:10 पर एक सूचना आई थी, जो कर्मा सिंह सन ऑफ छोटू सिंह जाति रावत निवासी बोणाबाई ने बताया कि यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस के बीच में एक लावारिस बच्ची पड़ी मिली है जो झाड़ियों में है और जीवित है। उस इतला पर मैं अपने स्टाफ के साथ में तुरंत रवाना हुआ, मौके पर पहुंचा और उस बच्ची को अपने पास में लिया और बच्ची को ला करके जेएलएनएच हॉस्पिटल के शिशु रोग विभाग में उसको इमरजेंसी आईसीयू में भर्ती कराया। बच्ची एक दो दिन की बता रहे हैं, नवजात बच्ची। ये यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस के बीच में जो झाड़िया इलाका है, उन झाड़ियों में पड़ी मिली थी। वो लोग खेत पर जा रहे थे, उन्होंने बच्ची की आवाज़ सुनी, आवाज़ सुनने पर उन्होंने उसको देख कर बच्ची को हमारे को सूचना उठा करके हमारे को सूचना दी। मौके पर तुरंत हम पहुँच करके यहाँ ला के भर्ती कराया। बच्ची की तबीयत ठीक है? बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है। मुकदमा दर्ज करेंगे? हाँ, मुकदमा दर्ज होगा, कार्रवाई होगी।